पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, इतनी छोटी सी बात को आपने इतनी टेंशन बना रखा है, ये रहा इस प्रॉब्लम का सलूशन। इसमें से आपको कोई भी एक मेडिसिन लेनी होगी, जैसे कि डाइडोजेस्ट्रोन है, प्रोजेस्ट्रोन, इस्ट्रोजन है, या मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन, या फिर नॉर्थिस्ट्रोन। अब बात करें जैसे मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन की, तो इस मेडिसिन की जो टैबलेट का नाम है वो डेवरी या मैप्रेट मार्केट में बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएगी। इस टैबलेट की आपको 10 mg वाली गोली लेनी होगी जिससे आपके पीरियड्स आ जाएंगे। लेकिन इन सभी मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि इन मेडिसिन में जो सबसे सेफ मेडिसिन है वो भी एक है जो कि सभी डॉक्टर अपने पेशेंट्स को लेने की एडवाइस देते हैं, वो है नॉर्थिस्ट्रोन, जो कि मार्केट में रेजिस्ट्रोन, प्रेमलूट एंड नॉरलूट एंड गाइनासेट या सिस्ट्रोन नाम से आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगी। अब इनमें सबसे बेस्ट जो रिजल्ट देती है वो है प्राइमलूट एन या फिर रेजिस्ट्रॉन 5 mg वाली गोली। अब देखिए, अगर आप इस टैबलेट का यूज करते हैं तब तो आपको पीरियड्स डेफिनेटली आ जाएंगे, लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि क्या अभी आपको ये टैबलेट लेना चाहिए या फिर आपको अभी पीरियड्स का और वेट करना चाहिए। तो देखिए, किसी भी लड़की या महिला को 3 से 7 दिन तक पीरियड्स लेट हो सकते हैं, जिसका मुख्य कारण है स्ट्रेस होना, बीमार होना, या क्लाइमेट का चेंज होना, हॉर्मोनल इश्यूज हो सकते हैं जैसे PCOS या फिर अंडेदानी में गठान। लेकिन अगर आपके पीरियड्स 7 दिन से ज़्यादा लेट हो चुके हैं तब आप इस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं बिना डरे। अब कुछ पेशेंट ये सोचते हैं कि क्या ये टैबलेट वाकई में काम करती है या नहीं करती है। तो देखिए, इस टैबलेट को यूज़ करने से पहले आप इस टैबलेट का रिस्पॉन्स देख सकते हो। ये देखिए कुछ पेशेंट्स के कमेंट्स। तो यहाँ से बात निकल कर आती है कि सर आपने सब कुछ तो क्लियर कर दिया, लेकिन ये बात तो बता ही नहीं कि इस टैबलेट को यूज़ कैसे करना है। बताता हूँ, रिलैक्स रहो। सबसे पहले तो ये जान लो कि इस टैबलेट को लेने से पहले एक बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आपका प्रीवियसली फिजिकल रिलेशन हुआ है तो आपको एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो ये टैबलेट काम नहीं करेगी। फिर आप इस वीडियो को देखना, इससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका टेस्ट नेगेटिव है तो ये टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं। अब यूज़ कैसे करना है देखो, ये जो टैबलेट है ये मार्केट में अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, लेकिन आपको इसकी 5 mg वाली टैबलेट लेनी है, ना ही कम ना ही ज़्यादा। इस टैबलेट को आपको दिन में 2 बार लेना है, खाना खाने के बाद पानी के साथ। इस टैबलेट को बस खाली पेट मत ले लेना, वरना आपको उल्टी मितली हो सकती है। तो इस टैबलेट को दिन में 2 बार लेना है, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को। 5 दिन तक आपको इस टैबलेट को लेना है। जैसे ही आप इस टैबलेट का कोर्स पूरा करेंगी तो आपको जो पीरियड्स हैं वो 1 से 10 दिन के अंदर डेफिनेटली आ जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस टैबलेट को उपयोग करने के बाद पीरियड्स नहीं आते हैं। तो पहली समस्या तो यही है कि अगर आपको प्रेगनेंसी होगी तो ये टैबलेट काम नहीं करेगी। और दूसरी जो बात है वो मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बताना ज़रूरी है। दूसरी प्रॉब्लम एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हो सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को देख लेना। लेकिन अगर आपने इस वीडियो में बताई गई हर बात को अगर अच्छे से फॉलो किया है तो आपको पीरियड्स डेफिनेटली आ जाएंगे। लेकिन स्टिल अगर आपके दिल और दिमाग में किसी बात को लेकर डाउट हो तो कमेंट करके आप मुझसे उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके देन, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।